हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इंफोटेक कंप्यूटर सेंटर। एक बार फिर आप सभी का हमारे DSI में स्वागत है, डिजिटल स्मार्ट इंफोटेक में। और हम लोग जैसा कि टैली की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, टैली का डेट 12 आज हम लोग लास्ट टर्न पर हम लोग ने डेट 12 जो है कंप्लीट किया था। आज हम लोग डे 13 पर बात करेंगे। डे 13 डे 12 के आगे होगा। डे 12 में हम लोग ने शॉर्टकट कीज़ को जाना, पढ़ा, समझा, कौन सी मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका हमें इनिशियली टैली की शुरुआत में ही हमें जिनकी ज़रूरत पड़ेगी टैली को ऑपरेट करने में, उन शॉर्टकट कीज़ को हमने जाना। अब टैली पर आगे की और क्या वर्किंग होगी उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो शॉर्टकट कीज़ आपको जो मैंने मार्क कराई उनको आप लर्न करें। लर्न करने के बाद आपको टैली पर उन शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, एंट्रीज़ कैसे पास करनी है, एंट्रीज़ पास करने में आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। एंट्री पास करने में एक दो दिन आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बाकी आप अगर मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने और समझें, जैसा कि मैं जिस सिक्वेंशियली जिन चीज़ों से आपको अवेयर करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको वो अटपटापन भी नहीं लगेगा। तो सिंपल सा है, आपको जो मैंने शॉर्टकट कीज़ मार्क कराई उनको आप लर्न कर लें और फिर आप टैली सॉफ्टवेयर पे अपनी वो सारी जर्नल एंट्रीज़ को पास करें जो जर्नल एंट्रीज़ हम लोग ने अभी लास्ट टर्न पर कुछ पहले की क्लासेस में पढ़ी हैं शुरुआत में, ठीक है। तो अब टैली पर जो शॉर्टकट कीज़ हमने मार्क कराई है, पहले तो मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद टैली पर जर्नल एंट्रीज़ कैसे पास करेंगे हम लोग चलेंगे जर्नल एंट्री की तरफ। तो सबसे पहले F1 से कंपनी सेलेक्ट करते हैं। मैं कीबोर्ड से F1 प्रेस कर रहा हूँ। F1 वगैरह आप सब लोग जानते हैं कि F1 आपकी कौन सी की होती है, एस्केप की कौन सी होती है। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो मैंने आपकी स्क्रीन पर कीबोर्ड ओपन कर दिया है और यहाँ पर इसमें आपको मैं चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। जैसे आपका जो एस्केप की होता है, एस्केप की आप देख सकते हैं, ये एस्केप की है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये हमारा एस्केप की है, ठीक है। और ये एस्केप की जो आपका है, ठीक है, इससे हम एक स्टेप बैक होते हैं, ठीक है। ये एस्केप की है आपका। और फंक्शन कीज़ वगैरह अभी आप इसमें ऑन कर लीजिए, फंक्शन कीज़ बंद हैं अभी। और फंक्शन कीज़ आपने देखा भी होगा ऑप्शन, इसमें अभी हम ऑन कर देंगे। फंक्शन कीज़ जो ऊपर होती हैं यहाँ पर F1, F2, F3 वो फंक्शन कीज़ होती हैं। ये है यहाँ पर बटन फंक्शन कीज़ का। अब देखिए फंक्शन कीज़ हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। ये सारी हमारी फंक्शन कीज़ हैं और एस्केप से एक स्टेप बैक होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये एरो की से ही हम ऊपर नीचे जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इन एरो की से, और ओके के लिए ये एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो टैली पर हमारा जो काम है, सबसे पहला अपनी कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के बाद हम जर्नल एंट्रीज़ वगैरह जो हमारी हैं उनको उस पर रिकॉर्ड करना। एंट्रियाँ रिकॉर्ड कहाँ पर कैसे होती हैं, तो एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका भी हम आपको अभी बताएंगे। उससे पहले जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करा दें। तो शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई, F1 सेलेक्ट कंपनी के लिए, ऑल्ट F1 शट कंपनी के लिए, ऑल्ट F1 का दूसरा यूज़ भी मैंने आपको बताया था रिपोर्ट पर डिटेल्स देखने के लिए। तो ये कहाँ पर कैसे होंगी बताते हैं। अच्छा, एंट्री आपकी कहाँ पर पास होगी वो आप समझ लीजिए। जो भी जर्नल एंट्रीज़ आपने बनाई हैं टैली पर, जो भी जर्नल एंट्रीज़ आपने बनाई हैं, ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ एक बार मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको सारी। हम लोग स्टार्टिंग से ही जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री थी वेजेस पेड की, ये रही। ये जर्नल एंट्री जो हम लोग ने यहाँ पर बेटा समझी, सीखी, ये पूरी जर्नल एंट्री हम लोग ने यहाँ तैयार करी। यहाँ देखिए, अब ये जर्नल एंट्री हमारी F5 में मेंशन है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि F5 क्यों लिखा गया है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया F5 पेमेंट वाउचर होता है और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है पेड है, तो इसलिए ये वेजेस पेड है, पेमेंट की एंट्री है, तो इसलिए ये पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड की जाएगी। अब पेमेंट वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या तरीका होगा, एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, तो टैली पर हम आते हैं। टैली पर हम आपको सबसे पहले बता दें एंट्री आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करनी होगी। तो आपको सबसे पहले रहना है अपने गेटवे ऑफ टैली पर। और इन सबसे भी पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपकी अपनी कंपनी खुली है या नहीं। हम लोग ने लास्ट टर्न पर स्मार्ट इन्फोटेक नाम की कंपनी बनाई थी जो कि यहाँ पर एक्टिव है। अगर नहीं एक्टिव है तो आप कंपनी ओपन कर लेंगे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ,
ऑल्ट एफ वन, अगर कोई दूसरी कंपनी ओपन है तो ऑल्ट एफ वन करना, उससे जो दूसरी कंपनी ओपन है वो बंद हो जाएगी कुछ इस तरह से। फिर सेलेक्ट कंपनी पर जाना, सेलेक्ट कंपनी की एफ वन है, चाहे एफ वन कर देना चाहे सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक कर एंटर कर देना, और इस तरीके से सारी कंपनीज जो भी हैं आ जाएगी। हमारी कंपनी में पासवर्ड लगा था, ये पहली वाली कंपनी है, मैं लास्ट टाइम पर बता चुका हूँ, पासवर्ड था 123, एंटर कर देंगे हमारी कंपनी खुल के आ जाएगी। तो कुल मिला के हमें हमारी कंपनी में काम करना है और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली भी आ जाएगा, जैसे ही आपकी कंपनी आएगी वैसे गेटवे ऑफ टैली आएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कहाँ पर जनरल एंट्री आपकी सारी पास होंगी, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली मैं जब भी लिखूंगा बेटा जीओटी गॉट लिखूंगा, ध्यान रखिएगा जीओटी गॉट मतलब गेटवे ऑफ टैली, ये जो फुल फॉर्म है इसका है, इस मेन्यू का है। तो जब भी मैं ये लिखूँ समझ जाना सर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गेटवे ऑफ टैली आपका हो गया। गेटवे ऑफ टैली के अंदर फिर हमें कहाँ पर जाना है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप जाओगे अकाउंटिंग वाउचर पर, यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद सिंपली आप वाउचर टाइप सारे नज़र आ जाएंगे आपको, तो जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं ही। अकाउंटिंग वाउचर भी आपको यहाँ ट्रांजैक्शंस में नज़र आ रहा होगा, ये रहा आपका अकाउंटिंग वाउचर, मैंने जूम करके दिखा दिया, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली पे रहना है, फिर आपको कहाँ पर जाना है, अकाउंटिंग वाउचर पे। सारी जर्नल एंट्री यहीं पास होंगी तुम्हारी सारी, बस ध्यान रखना कौन सी जर्नल एंट्री किस वाउचर टाइप में जाएगी। कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी तो उसके लिए F4 मैंने बताया, पेमेंट वाउचर में जाएगी सारे पेमेंट जहाँ पे रिकॉर्ड होने होते हैं उसके लिए F5 बताया, रिसीव कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए मैंने रिसिप्ट वाउचर बताया, F6 शॉर्टकट की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया जो है, उसके बाद F7 मैंने बताया एडजस्टमेंट के लिए, जो अभी मैंने आपको रोका हुआ है, कहा कि अभी आगे बताएंगे। उसके बाद था आपका F8, F8 हमारा सेल्स वाउचर होता है, सारी सेल्स की एंट्रियाँ, गुड्स सोल्ड की एंट्रियाँ चाहे कैश हो या क्रेडिट, वो सब यहाँ पर जाएगा। इसके बाद आपका था F9, F9 में मैंने आपको बताया था गुड्स परचेज की एंट्री, तो सारी गुड्स परचेज की एंट्री हमारी F9 में जाएगी, परचेज में। और भी कुछ शॉर्टकट कीज बताई थी मैंने आपको, जैसे लेजर क्रिएट करना था ऑल्ट सी, कुछ भी डिलीट करना था ऑल्ट डी, सेव कराने के लिए कंट्रोल ए, सेटिंग्स ओपन करने के लिए F12, इनको हम लोग अभी वर्किंग में जैसे ही आएंगे सब पढ़ते रहेंगे और एक दो टर्न में ये सब आपको रट जाएंगी। तो एंट्री पास होती है हमारी यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पर, यहाँ पर जाएंगे एंटर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन पर क्या लगा हुआ मिलेगा, पेमेंट वाउचर, यानी जो मैंने टाइप्स ऑफ वाउचर आपको बताए थे उसमें आपको F5 पेमेंट वाउचर लगा लगाया मिलेगा। यहाँ पर देखिए वाउचर्स के शॉर्टकट शो भी हो रहे हैं जितने मैंने आपको बताए, इधर राइट हैंड साइड देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे तो पेमेंट लगा लगाया आपको मिलेगा, यानी F5 वाउचर लगा लगाया मिलेगा, ठीक है। तो अब ये वाउचर है, यहाँ पे पेमेंट वाली एंट्री जाएगी। अगर मान लीजिए हमारी बैंक में पैसा जमा करने और निकालने वाली एंट्री थी, जो अभी वेजेस वाली एंट्री है हमारी, जो हम लोग अभी यहाँ पर देख के आए, जो वेजेस वाली हमारी ये जो एंट्री है वेजेस पेड, ये एंट्री हमारी किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी F5। तो F5 मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, और इसी तरीके से तो F5 यहाँ पर वेजेस वाली एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी मैं बता रहा, पहले मैं शॉर्टकट कीज एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद F4 कंट्रा वाउचर, बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालने वाली एंट्री, कंट्रा वाउचर F4 में जाएगी। F4 जब आप लगाएंगे तो आपको देखिए ऊपर जहाँ पेमेंट लिख के आ रहा है रेड में, ठीक है, मार्क करके भी दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर कंट्रा लिख के आने लगेगा, F4 कर रहा हूँ, ये होता है हमारा कंट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर, F7 एडजस्टमेंट के लिए जर्नल वाउचर होता है, F8 माल बेचने के लिए सेल्स वाउचर होता है, और F9 माल खरीदने के लिए परचेज वाउचर होता है। अभी मैंने गिनी चुनी 6 वाउचर्स ही आपको समझाए हैं, जबकि 20 से ज़्यादा वाउचर्स हैं आपकी टैली पर, जो कि धीरे धीरे कोर्स के बढ़ने पर जिस हिसाब से कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप उनको सीखते समझते जाएंगे। तो अभी हमें जो पहली जर्नल एंट्री हमारी है वो है हमारी वेजेस पेड की, जो कि हमारे पेमेंट वाउचर में जाएगी। और पेमेंट वाउचर हमारा कैसे आएगा, हमें F5 प्रेस करना पड़ेगा, ये मैंने F5 प्रेस किया तो पेमेंट वाउचर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हो सकता है मेरे में देखिए पहले से ही यहाँ पे DR यानी डेबिट लिख के आ रहा है, हो सकता है आपके में यहाँ पर डेबिट की जगह
यहाँ पर इस तरीके से लिख के आ रहा हो इस जगह ACCOUNT अकाउंट, ठीक है, और डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा, तो आप घबराइएगा नहीं, ये डिस्प्ले सेटिंग होती है। इसके लिए आप अगर ऐसा आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, F12 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। F12 मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन की होती है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपकी सेटिंग्स, जो भी सेटिंग्स, स्क्रीन की सेटिंग्स उसके लिए होती है, ठीक है। ये शॉर्टकट की आपको मैंने यहाँ पर बताई है, नीचे शॉर्टकट की इसमें चेक कर लीजिएगा, F12 लिखी होगी। तो मैं कीबोर्ड से F12 प्रेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जब मैं F12 कीबोर्ड से प्रेस करूँगा यहाँ पर नीचे भी देखिए दिया हुआ है कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो जब आप इस पर आ जाएंगे यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर F12 जब आप कॉन्फ़िगरेशन पर आ गए हैं इस जगह पे, तो यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि ये एक स्क्रीन खुली है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे पेमेंट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग, पेमेंट की सेटिंग, क्योंकि हम किस स्क्रीन पर थे, पेमेंट वाउचर पर थे, तो जिस स्क्रीन पर आप होंगे उसी की कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन खुलेगी। तो अगर आपके में अकाउंट आ रहा होगा तो वो क्यों आ रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके में वो स्क्रीन इस तरह से आएगी। देखिए उस स्क्रीन को मैंने चेंज कर दिया, अब मेरी स्क्रीन में डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा, वाउचर वही है पेमेंट, बट डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा। तो ये डिस्प्ले सेटिंग होती है, तो हो सकता है जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो आपके में ये सेटिंग लगी हो, तो अब आप कहोगे सर डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा, मैं डेबिट क्रेडिट कैसे करूँ, कहाँ डेबिट भरूँ, कहाँ क्रेडिट भरूँ। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जब ऐसी स्क्रीन मिलेगी तो आप अपने कीबोर्ड से F12 का इस्तेमाल करेंगे। F12 करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जब आप F12 करेंगे ये विंडो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कंट्रा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है जब अगर अकाउंट वाली स्क्रीन इस तरीके से आ रही होगी तो यहाँ पर ये ऑप्शन यस होगा, तो इसको आप इस तरीके से नो कर दीजिएगा, इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है, यूज सिंगल एंट्री मोड, इसको नो कर देना है। नो करने के बाद इस स्क्रीन को, ये जो चेंजेस किए हैं इनको सेव करा लेना। सेव करने की शॉर्टकट की आपको अभी मैं लास्ट टर्न पर बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले भी बताया कि टैली पर कुछ भी सेव करने के लिए Ctrl+A होता है, जो कि अदर सॉफ्टवेयर में Ctrl+S होता था। तो इससे हम स्क्रीन को अपनी सेव करा लेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, Ctrl+A प्रेस किया मैंने, देखिए हमारी स्क्रीन सेव हो गई और हमें DR मिलने लगा, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे DR की जगह 2x आ रहा हो, तो उसके लिए भी यही करना है, F12 फिर से आपको करना है, अपनी F12 प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको देखना है UCRDR, अगर ये यस है तो CRDR आ रहा होगा, और अगर ये ऑप्शन नो है इस तरह से, अगर ये ऑप्शन इस तरह से नो होगा यू, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको यस कर लेना। अगर ये नो होगा तो देखो इस तरीके से बाई और टू आएगा, DRCR नहीं, मतलब सिंगल एंट्री मोड तो हट चुका, अकाउंट फॉर्मेट तो हट गया, बस जो सिंबल होते हैं, दो तरीके के सिंबल होते हैं, डेबिट के लिए यहाँ पर तो डेबिट का जो मतलब है, डेबिट टैली पर वाउचर में डेबिट के दो साइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो डेबिट के लिए DRV और दूसरा डेबिट के लिए बाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट के लिए भी इसी तरीके से क्रेडिट आता है आपका, क्रेडिट के लिए भी आप दो सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आपका CR और दूसरा आपका 2। मैनुअल में जब आप जनरल एंट्री बना रहे थे तो वहाँ मैंने चॉइस नहीं बताई थी, वहाँ डेबिट के लिए मैंने आपको DR बताया था, क्रेडिट के लिए आपको 2 बताया था, क्यों, क्योंकि ऐसे ही मैनुअल अकाउंटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर पे, यानी टैली सॉफ्टवेयर पे अगर आप आएंगे तो वहाँ पर आपका पेयर ऐसे चलेगा, या तो आप ये पेयर यूज़ कर सकते हैं पूरा, या तो आप ये पेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाई के साथ 2 का पेयर है ये, और DR के साथ CR का पेयर है। तो अब आप देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर अगर ये फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, आप इसमें काम करें, और अगर ये वाला फॉर्मेट आ रहा है
तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। दोनों को चेंज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से सिंपली F12 प्रेस करनी है। F12 प्रेस करेंगे, मैंने अभी जो ऑप्शन बताया उसे आपको यस कर देना है, तो DRCR आ जाएगा। नो रहेगा अगर वो ऑप्शन, तो Y2 आएगा। अब अगर ये दोनों ही आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इनकेस ना ही यहाँ पर CRDR आ रहा है ना ही Y2 आ रहा है, यानी ये दोनों ही फॉर्मेट नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही फॉर्मेट नहीं नज़र आ रहे हैं तो अंडरस्टूड है बेटा, यहाँ पर फिर वो अकाउंट वाला फॉर्मेट आ रहा होगा, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके में हो सकता है अकाउंट लिख के आ रहा हो। तो इसके लिए भी अभी मैंने F12 करके बताया, सेकेंड ऑप्शन था F12 के अंदर, ठीक है। वो सेकेंड ऑप्शन कौन सा था, ये वाला था, यू सिंगल एंट्री मोड, ये यस रहता है तो वो चीज़ आती है, ठीक है। इसको नो करके कंट्रोल ए से स्क्रीन को आप सेव करा लेंगे, ठीक है। तो ये बाय टू आ रहा है, मुझे वापस से वो लगाना है, तो मैंने F12 करा। F12 करने के बाद मैंने यहाँ से UCRDR, अभी नहीं आ रहा है तो UCRDR यहाँ से मैं यस कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पर UCRDR नो लगा हुआ है, तो इसको मैं यस कर लूँगा यहाँ से, और ये जो चेंजेस किए हैं इन्हें कंट्रोल प्लस ए से सेव कराऊँगा। अब देखिए हमारे स्क्रीन पे DRCR आ गया, ठीक है। तो आपको ये वाउचर स्क्रीन मैंने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डेट होता है, जिस डेट को जो भी ट्रांजेक्शन करने होंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। बट हम लोग टैली एजुकेशनल वर्जन पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ हर महीने की पहली, दूसरी और जिन मंथ में 31 यानी 31 आता है, केवल उन डेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आपके आपको और डेट्स की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आप तो बस यहाँ पे सीखने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए डेट मायने नहीं रखती। लेकिन जब आप जॉब करते हैं वहाँ पर डेट मायने रखती है, इसलिए जो व्यापारी होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, जो टैली पर अकाउंट्स मेंटेन करवाती हैं, वो सब टैली का लाइसेंस वर्जन खरीदती हैं, ताकि डेट वगैरह प्रॉपर वे में चेंज हो सके और हर दिन का रिकॉर्ड, हर दिन का लेन देन उसी दिन के लिए रिकॉर्ड हो सके जिस दिन वो हुआ है। डेट बदलने के लिए शॉर्टकट की आपकी F12 होती है, सॉरी F2 होती है, यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये F2 होती है, F2 से हम डेट बदल सकते हैं। तो कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करें, मैंने प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे वाउचर डेट अगली ऑटोमेटिक आ गई। एक बार F2 दबाएंगे तो अगली डेट आ जाएगी, तो 2 तो ले लेगा, देखिए 2 ऊपर आ चुकी है, यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है। लेकिन अब अगला हम F2 फिर से करेंगे तो ऐसे 3 ले लेना चाहिए, देखिए नहीं लेगा, एंटर करिए। अब देखिए एंटर नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, मैंने सिंपली आपको बता दिया, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट, सेकेंड और 31st ही लेगा, तो हमें इतने पे ही काम करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा वाउचर टाइप्स F4 ऐसे कॉन्ट्रा होता है, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालने वाली जो एंट्रियाँ होंगी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। F5 सारी पेमेंट वाली एंट्रियाँ यहाँ पर आएंगी, F6 रिसीव वाली एंट्रियाँ यहाँ पर आएंगी, F7 अभी मैंने ड्रॉप कराया हुआ है, F8 माल बेचने वाली सारी एंट्रियाँ यहाँ पर आएंगी, F9 माल खरीदने वाली एंट्रियाँ हमारी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री कहाँ पर पास हो रही है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में। अब जर्नल एंट्री हम लोग पास कैसे करेंगे, उसके लिए हम अगली क्लास में जानेंगे कि जर्नल एंट्रियों को पास कैसे करेंगे। और जर्नल एंट्री पास करने के लिए शॉर्टकट कीज़ का आना बेहद ज़रूरी है, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आप उसको लर्न कर लें, याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। और दूसरी एक और ज़रूरत होगी अंडर ग्रुप की, तो अंडर ग्रुप अभी मैं अगली क्लास में आपको बताने वाला हूँ, अंडर ग्रुप्स उसमें नोट्स में आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो एंट्री कैसे पास करेंगे उसके लिए शॉर्टकट की और अंडर ग्रुप की ज़रूरत होगी। लेजर वगैरह कुछ क्रिएट करने होते हैं टैली पर, जैसे यहाँ पर आप अभी मैनुअल जर्नल एंट्री बना रहे थे तो हर एंट्री में 2 लेजर आपको चूज़ करने पड़ रहे थे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर वेजेस वाली एंट्री है, तो यहाँ पर आपने 2 खाते निकाल लिए, एक वेजेस एक कैश, ठीक है, इनकी पहचान कर ली। यहाँ तो ये नियम चल रहे हैं, टैली पर ये नियम नहीं काम करेंगे। टैली पर टैली का फंडा चलेगा, सॉफ्टवेयर का फंडा। तो टैली पर आपको ये तो यहाँ पे आपने लिख लिया है, वहाँ पर लिखने का तरीका होता है, तो जो आप वहाँ ये लेजरों को, ये खातों को जो आप लिखेंगे उन्हीं को बोलते हैं लेजर क्रिएशन, उसके बाद एंट्री पास होगी। तो ये सब पार्ट अगली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच।